काम तूने अच्छा करवा लिया सर। मैंने बोला था आपको, मैंने कहा था सर काम जो है ना मैं A1 करवाऊंगा। नहीं नहीं इसका यार, जैसे तूने ऑयल चेंज करवाया गाड़ी की जो है ना वो सारा बदल गया, स्टाइल ही बदल गया। सर मैंने आपको बोला था, सर आप कह रहे थे नहीं फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैंने आपको कहा था सर गाड़ी का ऑयल चेंज होने वाला है जिसकी वजह से सर गाड़ी भारी हुई हुई है। नहीं नहीं गाड़ी फ़र्क दे रही है भाई, वाकई गाड़ी वाकई मज़ा दे रही है। अस्सलामुअलैकुम बॉयज़, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ GTA 5। तो भाई आज का एपिसोड शुरू करते हैं। सबसे पहले तुम सबको वेलकम हो गया तकी फैमिली, कैसे हो सब यार। कल की वीडियो पर तुम लोगों ने कमेंट्स बहुत कम किए थे, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। आज की वीडियो के ऊपर कम से कम जो है ना बॉयज़ 100,000 कॉमेंट्स हों, और उसके अलावा भाई इतना तुम्हें बता दूँ कि भाई आज की वीडियो जो है ना वो तुम लोगों ने पूरी देखनी है, ठीक है। आज की वीडियो में हमने बहुत सारे जानवर बेचने हैं, मतलब भाई सीरीज पूरी तरह स्टार्ट हो चुकी है आज के एपिसोड में, ठीक है। और सबसे दूसरी अहम बात भाई, अगर अभी तक तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि भाई तुम्हें हर अपडेट मिलती रहे, ठीक है। सादिक अभी जो है ना मैं सिर्फ कपड़े चेंज करके आऊं, तू ऐसा कर डाला निकाल और डाले को स्टार्ट कर, बस अभी मंडी जाएंगे। अजी सर जो आपका हुक्म। और तेरे मैं और भी तुझे बातें बताता हूं, मैं जरा हूं इन दोनों मुस्टंडों को ऊपर से उतारूं। अबे ये क्या हुआ है सर, ये पता नहीं सर को देखना। जिमी फ्रैंकलिन पापा सलाम अलैकुम, क्या कर रहे हो बदतमीज़ो, नीचे आओ यार। माइकल भाई गर्मी बहुत है, अभी नहीं आ रहे हम। मैं तुम्हें कह रहा हूँ नीचे आओ, अल्लाह की कसम अगर तुम लोग नीचे ना आए दोनों, मैंने तुम दोनों को जो है ना कसम से मैंने तुम दोनों को जो है ना वो तुम्हारे साथ बहुत बुरी करनी है। और तुम लोगों को मैंने बोला था मंडी जाओ, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। पापा यार मंडी मंडी जा रहे हैं, बस अभी जा रहे हैं, दफा हो जाओ जल्दी। चलो मैं शर्ट सादिक मैं शर्ट बदल के आता हूँ। जी सर जो आपका हुक्म। शेल कर दी है गाड़ी, तो आपकी यही खड़ी है। अबे यार ना पूछ जिमी, मेरे साथ बहुत बुरी हुई है यार। क्या हो गया, अब ऐसा क्या हुआ है। अबे यार तुझे पता है जिस बंदे ने खरीदी थी ना, उसने बोला कि भाई नहीं मैंने ये गाड़ी इतनी महंगी नहीं लेनी। उसने जब देखी ना तस्वीरों में, तब उसने कह दिया मैं 22,00,000 दूंगा, लेकिन जब हम उससे पेमेंट पकड़ने गए हैं उसने हरामीपन किया। उसने कह दी मैं सिर्फ और सिर्फ इस गाड़ी का जो है ना 18,00,000 दूंगा। ओए होए होए मामू ये तो जाती हैं, ये तो आपके साथ सही नहीं किया उसने। अबे यही तो तेरे को बता रहा हूँ, उसने मेरे से इतनी बड़ी बगैटी की है यार, कसम खुदा की। मैंने अब जो है ना मैंने सोचा है मैंने ये गाड़ी जो है ना अभी नहीं सेल करूँगा, अपना शोरूम ऑन हो जाएगा ना तो चुप करके शोरूम पे खड़ी कर दूंगा, वहाँ पे तो तुझे पता है 25,00,000 की भी सेल हो जाएगी यार। मामू शोरूम पे तो वाकई सेल हो जाएगी, शोरूम की तो टेंशन ही नहीं है। पता नहीं पापा कहाँ हैं, देख ले माइकल भाई ने अन्नी डाली हुई थी, खुद अभी तक नहीं निकले बाहर। यार वैसे अजीब है यार तेरा बाप, आजा जिमी यहाँ पे खड़े होते हैं। यार वैसे जिमी एक बात है, आपस की बात सुन जरा। बताओ मामू। यार मैंने वैसे सोचा है माइकल भाई से ना, मैं सोच रहा हूँ मोहब्बत प्यार करके ना ये वाली काली गाड़ी खर्च लूँ। पापा ये वाली गाड़ी तो आपको कभी ज़िंदगी में भी ना दे मामू, ठीक है। ये वाली गाड़ी जो आप सोच रहे हो ना पापा आपको दे देंगे, आप सोचना भी नहीं, पापा ने ये कभी ज़िंदगी में नहीं आपको देनी। पापा को पता है कितनी पसंद आई है। यार तू बैठे कैश सही रहा है, माइकल भाई ने मुझे कहा था मैं दे दूंगा, लेकिन अब माइकल भाई मुकड़ गए। अबे मामू कहाँ मामू, पापा ने नहीं ये देनी, ऐवी पापा की कहानियाँ ही हैं कि मैं दे दूंगा, देनी शेनी कोई नहीं है पापा ने। तू बता तूने एयर सस्पेंशन लगवाई नहीं है। यार मामू अभी तो नहीं लगवाई, मैं ज़रा मैंने कहा 2-3 दिन तक लगवाऊंगा, वो मैंने लड़के को बोला अली को, वो कह रहा है 2-3 दिन तक जो है ना वो एयर सस्पेंशन आ जाएगी फिर लगा दूंगा। जी सर आए सर, सर कौन सी गाड़ी निकालूं, रिवो निकाली यार रिवो। जी सर बैठे आए सर, ठहर जा यार ठहर जा, आ जाए माइकल सर ठहर जा आ रहा हूँ, इन दोनों को भी आवाज़ दे यार। जिमी फ्रैंकलिन आ जाओ। अच्छा पापा आ रहे हैं, पापा चलो चलो बैठ गया हूँ। फ्रैंकलिन बैठ गया। जी माइकल भाई चलो यार, वैसे तुझे आगे बैठने को किसने कहा है। माइकल भाई आगे जो है ना हवा बड़ी ठंडी लगती है। तोबा यार तोबा, मतलब फ्रैंकलिन तू, अच्छा सच तूने तो गाड़ी बेच दी थी क्या बना। यार माइकल भाई ना पूछो यार, तुम मेरे नमक छिड़क रहे हो जख्मों पे। नहीं नहीं मैं सीरियस हूँ, फिर भी बता तो सही। यार माइकल भाई वो जिस बंदे ने कहा ना कि मैं 22,00,000 की दूंगा, अच्छा लेकिन जब हम उससे पेमेंट लेने गए उसने कहा नहीं मैं 22 की नहीं दूंगा, मैं तो उसका जो है ना 18,00,000 दूंगा। अबे ना गिर। हाँ माइकल भाई सीरियसली यार, अजीब कुछ जो है ना चूतिया इंसान था। तोबा तोबा, ठीक है फिर अब जो है ना क्या सोचा है। बट अब सोचा क्या माइकल भाई, अभी जो है ना शोरूम स्टार्ट होगा ना ये बकरा ईद के बाद, तो फिर इंशाल्लाह मैं शोरूम पे खड़ी कर दूंगा। बेटा जितना तेरी गाड़ी की कीमत लगेगी ना, मैंने उससे ज़्यादा की नहीं बेचने देनी, मैंने अपने शोरूम की रेपुटेशन का ख्याल रखना है। वाह माइकल भाई वाह, तुम्हें मुझसे ज़्यादा शोरूम प्यारा है यार, कितनी यार गलत बात है ना। देखो तुम्हारी नज़र में मेरी कोई इज्जत नहीं है। अबे यार इज्जत की बात नहीं है फ्रैंकलिन, मतलब इज्जत है नो डाउट, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह जो है ना शोरूम का ख़राब नहीं करने दे सकता मैं यार। पापा यार अच्छा ये छोड़ो,
पापा शो अब मंडी का क्या सीन है? बेटा मंडी का ये सीन है कि कस्टमर आज आए हुए हैं, ठीक है, आज जो है ना हमने, अच्छा बॉयज़ तुम लोगों को एक और गुड न्यूज़ बताऊंगा, मंडी जाके बताऊंगा, तुम लोगों के लिए एक बहुत ही सरप्राइज चीज़ है, वो तुम तीनों के लिए भी है, तेरे लिए, फ्रैंकलिन के लिए, हैदर के लिए। पापा ऐसा क्या है यार, मैं तुम लोगों को बताऊंगा, सब्र रखो। अग्री है ना? वैसे पापा कमेंट आ रहे थे लड़कों के बहुत ज़्यादा, वो जो नई वाली मंडी की आपने जगह बनाई है ना, वो बहुत पसंद आई है लड़कों को। हाँ वो तो शादी यहीं पे लगा दे जी सर, यहीं पे सर, मैंने कहा जरा छाँव पे लगा दूँ। हाँ यहाँ पे लगा दे दरख्त के नीचे। जी जी सर, मैं अभी यही कह रहा हूँ सर, यहाँ पे लगा देता हूँ। हाँ हाँ ज़रा यहीं पे लगा यार, गाड़ी छाँव में रहे सर, यहीं पे सही है। हाँ ठीक है, यहाँ पे ठीक है सर। लड़को हैदर इधर ही है, वो देखो खड़ा है यार। ये लड़का ना इतना पाबंद है ना भाई, काम का जिसकी कोई हद नहीं यार। चलो माशाल्लाह जानवर भी सही सारे खड़े हैं। फ्रैंकलिन बात सुन जे माइकल भाई, हुक्म करो यार, ये जो तीन जानवर खड़े हैं ना, इनको निकाल और इनको वहाँ पे लेके चल। चलो आटे काम शुरू हो गया, तो काम शुरू हो गया, काम करना नहीं और तुम इतने वेलियां खान आए हो, अभी हमने और बहुत काम करना है। हैदर सलाम अलैकुम माइकल भाई। वालेकुम अस्सलाम लड़के, कैसा है? अलहमदिल्ला माइकल भाई, आप सुनाओ कैसे हो, तबीयत भी सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो तू आ जा यार भाई, तू पहले सलाम ले लेकर सुना लड़के क्या सिचुएशन है। यार माइकल भाई मैं तो अभी 2 घंटे हुए अभी आया था, और खान को मैंने भेजा है नाश्ता लेने, मैंने कहा यार नाश्ता आज यहीं करते हैं, आपने बोला था कि ज़रा जल्दी पहुंच जाना है, तो मैं पहुंच गया था टाइम से। यार हैदर यार मतलब लव यू यार, तू बड़ा सीरियस होके काम करता है, मुझे बहुत पसंद है तेरी आदत। माइकल भाई बस अब ड्यूटी आपने लगाई है तो फिर तो ऐसे ही है ना। अच्छा अब जो है ना मेरे साथ आ, मेरे पास एक प्लान है। प्लान है यार, आना मैं तुझे बताता हूँ। जी माइकल भाई आ जा माइकल भाई, वैसे है खैरियत सब? आ तो सही यार, टेंशन क्यों ले रहा है, मैं तुझे बताता हूँ ना। आ जा जी जी माइकल भाई आ जा। अच्छा तो हैदर अब जो है ना मेरे पास प्लान ये है, किधर गया यार एक तो ये लड़का। जी माइकल भाई आ ना यार, डर क्यों रहा है, आ रहा हूँ माइकल भाई, आ रहा हूँ, आ जा। हाँ जी माइकल भाई बताओ। अच्छा बात सुन हैदर, अब मेरे पास प्लान ये है कि देख हैदर, एक तो ये है कि हम मंडी लगा रहे हैं। जी माइकल भाई बिल्कुल, ये तो चीज़ है। तो मेरे पास ये माइंड है कि हैदर हम जो है ना मतलब जानवर अपने लिए ख़रीदें, ठीक है, और मतलब जो है ना हम अब जाके जो नए जानवर लेके आने हैं ना वो हम खुद लेके आएँ। अच्छा माइकल भाई मतलब कि आप कह रहे हो कि खुद मंडी से जानवर लाएं? हाँ मतलब हम बड़ी वाली मंडी में जाके ना वहाँ से जानवर लाते हैं और यहाँ लॉस सैंटोस में लोगों को चूना लगा के भेज देते हैं। माइकल भाई नॉट अ बैड आइडिया, आइडिया बहुत अच्छा है, क्या कहते हैं? माइकल भाई बहुत कमाल आइडिया है, फिर माइकल भाई आज से शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल, तो बॉयज़ मैं तुम लोगों को ज़रा समझाता हूँ। बॉयज़ मैंने ये सोचा है कि यार देखो हमने मंडी सीरीज़ को जो है ना वो फुल तुम लोगों के लिए इन्जॉयमेंट बनाना है, तो भाई उसके लिए मेरे माइंड में एक चीज़ आई है। मैंने ये सोचा है कि देखो अब मैं गया था, जो मैं कराची गया था, मैं वहाँ से 10 जानवर लाया हूँ, ठीक है, इतनी जल्दी मैं जानवर ले भी आया हूँ, और अब जो है ना मैंने बेचने हैं, तो तुम लोग सिर्फ बेचना देखोगे, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि हम रोज़ रात को या दिन में जाया करें मंडी, यहाँ मतलब जो है ना सैंडी शोज़ में बहुत बड़ी मंडी लगती है, वहां हम वहां जाया करें, वहां जाके ना हम रोज के एक आधे एक जानवर, 2 जानवर 3 जानवर खरीदा करें तुम लोगों के लिए। मतलब कि आज की वीडियो में अब तुम नीचे कमेंट करोगे कि माइकल भाई मेरा बजट है 2,50,000, आपने मेरे लिए जानवर खरीदना है, मेरा नाम है हमजा, तुम लोग इस तरह कमेंट करोगे, और बॉयज फिर हम मंडी में जाके तुम लोगों के लिए स्पेशल तुम्हारा नाम लेके तुम्हारे पैसों का जानवर खरीदेंगे, ठीक है। फिर उस जानवर को हम यहां अपने पास लाएंगे और फिर जो है ना उस जानवर की कुर्बानी जो है ना हम तुम्हारे नाम की कुर्बानी करेंगे, ठीक है। ये मेरा एक नया माइंड चला है और आई होप तुम लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा ये आइडिया, तो इसलिए अब तुम लोगों ने कमेंट करना है और अपना अपना नाम बताना है और बताना है कि हमारा इतना बजट है, हमारे लिए आप कुर्बानी का ये जानवर लाएं, बकरा लाएं, जो भी लाएं, ठीक है। तो भाई अब देखते हैं जाके कि भाई जानवरों की क्या सूरत हाल है। जिमी लगा तो पड़ा है सौदा करने, देखते हैं कि भाई हैदर अब क्या सही है, कितने जानवर बिके हैं? माइकल भाई अभी जो है ना अभी तो फिलहाल कोई नहीं बिका, अभी लगे हुए हैं कस्टमर। यार आओ ना जरा कोई कहानी डालनी है, कोई बेचे जानवर, बेचेंगे तो कोई प्रॉफिट होगी। फ्रैंकलिन की तरह चंगा किया इसको तो तुमने, जो झाड़ू पकड़ाया ना, सफाई कर, सफाई कर रहा हूँ यार माइकल भाई, यार इतनी गर्मी में कौन सफाई करता है, सारी मिट्टी है यार नीचे, सफाई क्या करूँ। मैं तुझे कह रहा हूँ सफाई कर फ्रैंकलिन, अगर तूने सफाई ना की तुझे कसम से मंडी में कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा यार, ज्यादती वाली बात है। कर रहा हूँ यार सफाई, मैं इसकी क्या सफाई करूँ, नीचे मिट्टी घट्टा है हर चीज़। बेटा सफाई नहीं करेगा तो कोई प्रॉफिट नहीं, तुझे 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, ठीक है, इसलिए तुझे सफाई करनी पड़ेगी, मैं तुझे बता रहा हूँ।
अजीब है यार कसम खुदा की, माइकल भाई ज्यादती है यार, गरीब इंसान के साथ जो है ना ये बहुत बड़ी ज्यादती है। कोई ज्यादती श्याती नहीं है, तो अब कर तू। चलो बॉयज अभी देखते हैं, जिमी लगा तो पड़ा सौदे को। चलो मुनासिब करोगे तो लेंगे ना भाईजन, मुनासिब क्या करें आपसे, मुनासिब है यकीन करें, इतना घर का पला हुआ जानवर है ठीक है, और इस जानवर की जो है ना आप सेहत देखें, मतलब आप चेक तो करें ये देखें, मतलब फुल घर का पला हुआ जानवर है, देसी जानवर है, देसी मतलब एक होता है ना जो वो ऑस्ट्रेलियन होता है, ये वो भी नहीं है, फुल देसी जानवर है। ऐ नहीं नहीं जानवर तो सही लग रहा है, कितने किलो का भाईजन ये है, तकरीबन मेरे ख्याल से इसमें से तकरीबन 50-60 किलो गोश्त निकल आएगा। अरे यार फिर तो थोड़ा थोड़ा सा मुनासिब करो यार, कीमत बहुत मांग रहे हो यार, 2,80,000 बहुत कीमत है यार। यकीन करो मैंने ये जानवर जो है ना मैं लेके आया हूँ कराची से। अच्छा कराची से लाए हो? हाँ कराची से लाया हूँ, लेकिन फिर भी यार मुनासिब करो, 270 भी नहीं। अबे भाई 270 तो मैंने खुद नहीं बोला, आपके लिए ना 275 हो जाएगा। अरे नहीं 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 यार मैंने, दरअसल हमने लेनी है जोड़ी। अच्छा फिर जोड़ी लेनी है ना, तो इसके साथ की जो है ना वो जोड़ी ये वाली आपको मिल जाएगी, ये वाला देख रहे हो वो ब्राउन वाला, ए वो वाला, हाँ हाँ ये वाला, ये ब्राउन सामने वाला, हाँ ये वाला सामने वाला ब्राउन, ये आपको मिल जाएगा ठीक है। आपको जोड़ी जो है ना, चलो फिर अगर यही बात है ना तो आपको जोड़ी 5,00,000 की दे दूंगा। अरे भाई 5,00,000 की जोड़ी बहुत महंगी है यार, आपको ये घर के पले दो दांत का जानवर है मैं आपको बता रहा हूँ यार। फिर भी यार माइकल भाई थोड़ा सा कम करो यार, देखो लेके इतनी दूर जाना है, कहाँ जाना है आपने? मैंने जो है ना, हमने लेके जाना है वो महमूदाबाद। अच्छा 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 महमूदाबाद तो बहुत दूर है, चलो। लेकिन यार अब मैं आपको क्या इसका बताऊँ, बहुत मैं ये तो यार अब आपको क्या इसकी एग्जाम्पल दूँ मैं कि अब कैसे आपको बताऊँ। नहीं यार यकीन करो, कोई थोड़ा सा कमी पेशी करो यार माइकल भाई यार, फिर जानवर तुम्हारे पास अच्छे हैं लेकिन ना रेट बहुत है यार भाईजान, रेट हैं इतने, आप देखो कि ये रेट मैं मुनासिब दे रहा हूँ आपको। नहीं फिर भी थोड़ी सी तो कमी पेशी करो ना। चलो आपको, आपने दो लेने के एक लेने हैं माइकल भाई, लेनी जोड़ी है, जोड़ी लेनी है। अगर आप जोड़ी लेते हो ना, कसम से आपको 4,90,000 की जोड़ी दे दूंगा, फुल प्यार करके, ये आपके साथ सिर्फ मोहब्बत हो रही है, मोहब्बत। अच्छा मोहब्बत हो रही है, फिर की कहना है, शफीक ले लिए आजी भाई, ले लेने अगर तुम्हें पता कितों लगेगा, हो रहा इतना अच्छा जानवर। भाई जान आपको एक और बात बताऊं, अभी तो मंडी में मतलब अभी तो बकरा ईद में काफ़ी टाइम पड़ा है और ये आपको सस्ते मिल रहे हैं, अभी आप हफ्ता रुको, यही जानवर आपको 10,00,000 के मिलनी है जोड़ी। अब भाई यही गल मैं तुम्हें समझाई, ले लो चुप करके। अच्छा चले फिर ठीक है, मेरा भाई भी यही कह रहा है, आप जो ऐसा है माइकल भाई फिर आप 4,90,000 में दे दें ठीक है। और गाड़ी जो है ना वो रेंट का उसका क्या हिसाब होगा? सर वो जो है ना वो ये काला लड़का खड़ा है वो पीछे, वो झाड़ू लेके वो छोड़ के आएगा हमारी जो है ना, उसको आपने सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपये देना है। अरे भाई 15,000 बहुत ज़्यादा है यार, यार भाईजान आप सफ़र भी तो देखें ना, महमूदाबाद का कितना सफ़र है, आप ये भी तो अंदाज़ा लगाएं। फ्रैंकलिन बात सुन ज़रा। जी जी माइकल भाई आ रहा हूँ। जी माइकल भाई बताओ यार, महमूदाबाद लेके जाने हैं जानवर दो। अच्छा ठीक है, कितना किराया? 20,000 लूँगा माइकल भाई। अबे अरे भाई आप 15 यार रुके तो सही, मैं बात कर रहा हूँ, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? अबे यार भाई लड़का लड़के बात सुन, बंदे अपने जानने वाले हैं यार, अच्छे बंदे हैं यार, मुनासिब बंदे हैं, ज़रा फिर से कम कर दे रेट यार। अच्छा माइकल भाई यार कितना कर दूँ? माइकल भाई इसको को 15 ले ले। अबे यार सर आप 2 मिनट रुकें तो सही यार। फ्रैंकलिन ऐसा कर, 15,000 ले ले और दोनों जानवर छोड़ा। यार 15,000 में तो पेट्रोल पूरा नहीं होगा भाईजान। अबे बस करना, ओवर एक्टिंग नहीं कर, छोड़ा। अच्छा चलो ठीक है छोड़ आता हूँ। हाँ ठीक है भाईजान, आपके जानवर जो है ना आपको 1 घंटे के अंदर अंदर जो है ना वो अभी लड़का निकल जाएगा, आप बेफिक्र हो जाएं ठीक है, और इंशाल्लाह आपको ना तकरीबन 2-2.5 घंटे में जानवर आपके घर मिलेगा। अरे माइकल भाई बहुत शुक्रिया यार, बहुत अच्छा लगा आपसे। नहीं सर मैं ताबेदार, सर आपकी अपनी मंडी है, बहुत शुक्रिया माइकल भाई। नहीं नहीं सर क्या हो गया, आपकी अपनी मंडी है, आप जब मर्जी आएँ। अच्छा माइकल भाई बकरों शकरों का क्या हिसाब है? बकरे मैं आओ चेक करवा देता हूँ, आओ तो सही ना, मैं आपको चेक करवाता हूँ, आ जाओ। ज़रा छोटी नस्ल के हैं? हाँ हाँ जैसे मर्जी हो माइकल भाई, बस ज़रा बकरे हों अच्छे। सर मैं आपको चेक करवाता हूँ, आप आओ, ये देखो बकरे चेक करो। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह आपके पास तो बकरे भी हैं सर, आप चेक करो बकरे चेक करो, छोटी नस्ल के दुम्बे हैं, दुम्बे टाइप। ये कितने का मिलेगा एक? ये आपको सर मिल जाएगा, एक बकरा जो है ना आपको ये मिलेगा 60,000 का।
अरे अल्लाह भाई, बहुत ज़्यादा रेट बता रहे हो माइकल भाई। सर मैं आपको क्या रेट बता रहा हूँ, मार्केट आप अभी ऐसा करें, मंडी चले जाएं, ठीक है, किसी भी, आपको एक एक बकरा जो है ना वो 60-60, 50-50 हज़ार के तो रोडों पे मिलेंगे, और ये तो फिर भी आपको मैं मंडी से दे रहा हूँ, मतलब कि खालस घर के पले हुए। अच्छा नहीं, अभी माइकल भाई आप जानवर कर दें, चलो ठीक है। फ्रैंकलिन यार ज़रा गाड़ी निकालो, और भाई का ना सौदा वो पूरा कंप्लीट करके ना इनको ज़रा छोड़ के आओ, ठीक है जी। माइकल भाई मैं इनको अभी तकरीबन अभी छोड़ रहा हूँ, हाँ अभी छोड़ा, ठीक है, ओके माइकल भाई, जिमी को भी साथ ले जा, ठीक है माइकल भाई, जिमी आजा चलें। चलो यार बॉयज, अल्हम्दुलिल्लाह भाई पहला सौदा हो चुका है, ठीक है भाई पहला। जी सर सलाम अलैकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम सर, बैठे हैं ज़रा बात करनी है। सर हुक्म करें। सर जोड़ी मिल जाएगी अच्छी सी जो है ना, भैंसों की और उसकी जानवरों की। सर बजट क्या आपका, सोने की घड़ी पहनी हुई है, बजट अच्छा लग रहा है। ओ बजट है मेरा 8-9 लाख का ना, लेकिन मुझे चीज़ A1 चाहिए भाईजान। A1 चीज़ चाहिए आपको, 8-9 लाख का बजट है। सर वाइट चलेगी यार, हो एक कलर के दोनों जानवर। अच्छा एक कलर के दोनों जानवर हो, ठीक है। जिमी किधर है यार? फ्रैंकलिन भी वो सामने घूम रहे। फ्रैंकलिन भी सौदा हो गया? अबे हाँ एक दो जानवरों का हो गया, चलो जबरदस्त भाईजान चलें फिर। जी भाईजान 2 मिनट रुक जाओ, बस अभी जानवर आपका लोड करते हैं गाड़ी में। जिमी जी मामू हुक्म करो, बताओ क्या हुआ। अबे वो जानवर जो है ना वो दो, एक वो वाला ब्राउन वाले जो दो जानवर है ना वो करने हैं बेचने है, मतलब छोड़ के आने होम डिलीवरी। मामू तो मैं क्या करूँ, अबे तू मेरे साथ जाएगा ना, माइकल भाई ने बोला। अच्छा पापा ने बोला, हाँ हाँ चलो फिर ठीक है चलते हैं। चल आ जा, तू जानवर निकाल, मैं गाड़ी निकाल के लाता हूँ, ठीक है मामू। लाता हूँ गाड़ी, चलो यार गाड़ी लेके आते हैं बॉयज। अबे यार यकीन करो बॉयज, कसम खुदा की, मतलब इतनी गर्मी के अंदर 15,000 जो है ना वो जानवर को छोड़ के आने का रेंट तो कुछ भी नहीं है। मैंने तो बोला था माइकल भाई को कम से कम 25-20-30 हज़ार रुपया रखना। चलो बॉयज इसी बहाने मेरा जो है ना वो दिहाड़ियाँ अच्छी बन जाएंगी। चलो बिस्मिल्लाह करके निकलते हैं, और चलो शाबाश शाबाश निकले। अबे आज जो यार चाचा, एक तो जो है ना जफर भाई भी जो है ना, सॉरी जफर भाई कह रहा हूँ, सादिक भाई जो है ना वो सामने खड़े रहते हैं। भाई जान आज क्या कह रहे हैं भाई जान, नीचे दे रहे हैं। हटो भाई हटो हटो, अबे हट जाओ भाई जान हट जाओ। मामू इधर बस सही है इधर ही। अच्छा हाँ इधर ही सही है। अच्छा चलो ठीक है मामू, बस सही है यार, क्या कर रहे हो, बस सही है इधर ही। ओके जिमी ओके, ठीक है यार ख्याल से जाना फ्रैंकलिन, और ज़रा तमीज़ से, ठीक है गाड़ी स्लो चलाना। जिमी सही है ना तू? पापा मैं ओके हूँ। चलो ठीक है, फिर भी ख्याल से ज़रा आ जाओ यार। भाईजान अभी इधर से बैठाएंगे तो बैठूंगा ना। हाँ बैठो, चलो आओ। ले फिर उसी तरफ जा रहा है पागल इंसान, उस तरफ से आ यार। फ्रैंकलिन ख्याल से चलो भाईजान चलो। यार भाईजान आपको कब से कह रहा हूँ बैठ जाओ, आप बैठ ही नहीं रहे हो। मामू ख्याल से चलाना, स्पीड ना मारना। अबे अच्छा पता है मुझे को। चलो ठीक है भाई, पहला जानवर लेके जा रहे हैं। जिमी सही है ना? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मामू, बस जरा ख्याल से हैं, जरा ज़्यादा स्पीडें नहीं मारना। अबे मुझे पता है यार, तुम लोग मुझे सिखाना जो शुरू हो जाते हो ना यार, ये काम ना किया करो। मामू रास्ता पता है? हाँ जाहिर सी बात है रास्ता पता है, तो जा रहा हूँ ना, वरना मैं पागल थोड़ी ना हूँ। चलो सही है मामू, आराम से जरा। हाँ पता है मेरे। अबे मामू क्या कर रहे हो, बंदा नीचे दे दिए। अबे नहीं दिया यार। अबे मामू देखो यार ख्याल करो, ये ना हो नया कट्टा खोल के बैठे हो। चुप कर जा भाईजान, आहिस्ता आहिस्ता जाना ज़रा, मेहरबानी। जानवर जो है ना हमारे वो सही रहे। यार भाईजान आपने अभी 5 मिनट पहले जानवर खरीदे हैं, और हम जो है ना हमने 2-3 दिन से रखे हुए हैं, हमें ज़्यादा पता है। आप चुप करके बैठो, बस बेफिक्र हो जाओ। अच्छा भाईजान मुझे ये बताओ कि ये जो है ना फ्रैंकलिन भाई, इनको मैं खिलाऊंगा क्या? भाईजान आप इन्हें खिलाओगे चिकन कौरमा बिरयानी? यार जाहिर सी बात है इनको चारा खिलाओगे यार, और क्या खिलाओगे? अच्छा यार आप जो है ना गुस्सा कर रहे हो यार। अबे नहीं भाईजान मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, आप जो है ना बाटी जो है ना वो ऐसी चवलों वाली कर रहे हो। मामू आहिस्ता चला लो, कौन सा ब्रांत है आपकी? अबे ट्रबल यार क्या हो रहा है तुझे यार? मामू स्लो चला लेता है बंदा। मैं जो है ना यहाँ ऊपर दीवार के साथ लटका हुआ, आपका तो मजे हो रहे हैं। अबे यार जिमी टू एवं घबरा रहा है यार। मामू घबरा नहीं रहा हूँ यार, फिर भी जरा स्लो चलाओ। अच्छा टेंशन नहीं ले। अच्छा तो भाईजान क्या कह रहे थे आप? यार मैं ये पूछ रहा था कि ये अब जानवरों को चारा कहाँ से लेके आऊँगा। यार भाईजान ये तो अब आपका इशू है ना, आप कहाँ से लेके आओगे? वैसे आप जो है ना चारा इनका जो है ना आपको मिल जाएगा किसी जगह से भी, अगर चाहिए तो आप लोग हमसे भी ले सकते हो।
अच्छा अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं आपसे ही आके ले जाया करूंगा ना मोटरसाइकिल पे। हाँ हाँ आप हमसे आके ले जाना, आपको जो है ना वो बेस्ट चारा देंगे जो सबसे बेस्ट होगा। और यार मामू आहिस्ता चला लो यार, खुदा का नाम मांगो। रिमी कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, पकड़ के बैठ, पकड़ के खड़ा रह। मामू पकड़ के ही खड़ा हुआ हूँ, आप जो है ना मुझे शहीद करने के चक्कर में हो। अबे नहीं बस आगे पहुँच गए यार मामू, खीर हो यार कसम से यार। भजन कौन सा घर है? ओ यार ये ना बस ये वाला घर है, यही वाला यही वाला। अच्छा अच्छा यही वाला, बस सही है मामू यहीं पे लगाओ। सबर कर जा यार रिमी। हाँ सही है, चलो भजन यही घर। हाँ भजन बस यही उतार दो जानवर। चलो ठीक है भाईजन, उठा पैसे दे दो भाईजन पहले। यार मैं कौन सा भागा जा रहा हूँ। नहीं भाईजन जरा ना हिसाब किताब होता है हमारा, पैसे दे दो। ये लो भाई 15,000। बहुत शुक्रिया यार बहुत शुक्रिया, मैं अब जानवर उठा देता हूँ आपके, कोई मसला नहीं। जिमी नीचे आ जा यार। मामू मैं ऊपर ही सही हूँ, हवा लग रही है ठंडी, लेकिन चलाना आराम से। ओके 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 ठीक है ऊपर ही। हाँ हाँ मैं सही हूँ ऊपर मामू, आप जाने दो लेकिन आराम आराम से जरा है। ओके 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 यार मामू यहाँ से रुक जाते, कोक ले लेते ठंडी। अबे यार चलो कोई नहीं फिर लेते। अबे मामू क्या कर रहे हो, ड्रिफ्टे क्यों मार रहे हो यार? अबे मैं ड्रिफ्टे नहीं मार रहा हूँ यार, वो हल्की सी लग जाती है यार। रिमीश का काम होने वाला है इंजन का। यार मामू पता है जरा आहिस्ता बोल लो, मैं कौन सा बोला हो गया हूँ। अच्छा अच्छा चलो सही है यार। भाई एक आपस की बात है यार, यार ये कैरी डबा इतना ज़्यादा भागता है यार, मेरे को तो अंदाजा ही नहीं था कसम खुदा की यार, बड़ा भाग रहा है यार यकीन करो। अजीब यार मतलब फुल स्पीडे मार रहा है। माइकल भाई की कॉल आ रही, रुको। हेलो अस्सलाम वालेकुम माइकल भाई। वालेकुम अस्सलाम। हेलो हाँ जी हाँ जी, हेलो 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 हेलो, जाहिल इंसान बोल भी ले। हाँ जी बोलो माइकल भाई, किधर हो माइकल भाई? बस ये अभी जानवर उठा रहा है, बस अब सीधे वापस आ रहे हैं। अच्छा उतार दिए? हाँ हाँ माइकल भाई उतार दिया, बस ये तो अब पहुँच गए हैं। चलो यार आराम, इतनी जल्दी कैसे पहुँच गए हो, यकीनन स्पीडे मार के गए हो। नहीं नहीं माइकल भाई 20 की स्पीड पे सकून सकून आराम आराम से। अच्छा 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 चलो अब और कोई जानवर है? अबे नहीं अभी फिलहाल तुम आ जाओ, बस ये गेट खोलो आगे। गेट क्या खोलो, खुला हुआ गेट है इड्डा तो नवाब। आगे आगे बस आगे। हेलो ये लोग तो आ भी गए सादिक, अरे ये पता नहीं कैसे जल्दी आ गए हैं। जाने दो मामू जाने दो, पीछे जाने दो, बस यही है। अब सबर कर, मुझे पता है मैं कौन सा अंडा हूँ। चलो चलो भाई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पहला ऑर्डर तो उठा दिया। सुना जिमी हवा कैसी थी? मामू ये मैं आपको रात को पूछूंगा कैसी हवा थी। सुबह मेरे ना ऊपर सारे बाल हवा में खराब हो गए हैं। चला जा जा। हाँ जी माइकल भाई। हाँ भाई लड़को क्या सुनाओ, सीन था सही था, उतार आए हो? माइकल भाई छाड़ा उठा रहे हैं जानवर। कितने पैसे दिए? माइकल भाई 15,000 दिया उन्होंने। चलो ये 15,000 तुम लोगों का। ना करो यार कसम से। हाँ ये 15,000 तुम लोगों का, अय्याशी मारो खाओ पियो जो मर्जी करो। यार माइकल भाई तुम इतने अच्छे हो नहीं। बेटा मैं इतना अच्छा हो गया हूँ, तुम लोग टेंशन नहीं लो, मैं अब इतना अच्छा हूँ। यार माइकल भाई लव यू यार, मोहब्बत प्यार है तुमसे यार, लव यू। अच्छा ज़्यादा ज़्यादा ओवर पार नहीं करो, बकवास नहीं करो ज़्यादा। अच्छा अच्छा माइकल भाई वैसे बताओ अब क्या सीन है? अब सीन ये है हैदर, हम लोगों को यही बता रहा था कि भाई जानवर जो है ना वो भी एक पार्टी खड़ी है दो जानवर देखने, तो मुझे लगता है वो भी सेल हो जाने हैं। माइकल भाई उनको भी छोड़ के आना है? हाँ जाहिर सी बात है यार उनको भी छोड़, तेरा पैसे बन रहे हैं तुझे क्या टेंशन है? नहीं नहीं मैं ओके हूँ कसम से, जहाँ बोलोगे छोड़ाऊंगा, बस रेट यही 15,000 रखना। हाँ हाँ 15,000 ही रहेगा। अच्छा मैं ये कह रहा था कि जिमी अब तू बता तेरा क्या सीन है। पापा समझ नहीं आई यार, अब मैंने तुम लोगों को बताया था कि अपने पास कितने जानवर रहेंगे हैदर। माइकल भाई दो वहाँ चले गए और दो ये हैं, चार। माइकल भाई हमारे पास पीछे जानवर रह गए हैं, कितने जानवर रह गए हैं यार, 8 जानवर रह गए। अच्छा और एक लड़के ने कमेंट किया था, अपना सब्सक्राइबर है अली रज़ा, उसको एक जो है ना अपना अब्दुल राफे, और एक जो है ना और लड़के ने कमेंट किया था मुबशर ने, ठीक है। इन तीनों को जो है ना वो एक को वाइट चाहिए, एक को ब्लैक चाहिए, और एक को वाइट लाइनों वाला चाहिए। इनको ये जानवर अभी जो है ना शाम को तुमने डिलीवर करने हैं फ्रैंकलिन, ठीक है। माइकल भाई उसके पैसे वो देंगे भाई, सब्सक्राइबर हैं वो, कमेंट किया वो ज़रूर देंगे, ठीक है। पापा फिर तो हमारे पास पीछे 5 जानवर रह गए हैं, यही चीज़ 5 रह गए हैं, तो अभी जो है ना क्या टाइम हो गया? माइकल भाई अब तो सूरज गरूब होने वाला है यार। हैदर आ जरा, आओ जरा इधर आओ ना। माइकल भाई आ रहा हूँ आ रहा हूँ, आ जाओ आ जाओ जरा। अच्छा तो बॉयज अभी जो है ना फिलहाल तो सूरज गरूब होने वाला है, और भाई शाम का वक्त भी हो चुका है यार। बात सुनो अब हम लोगों ने रहना मंडी में ही है, ठीक है। हाँ माइकल भाई बिल्कुल ऐसे ही है, समझ गया जिमी। पापा ओके करो,
तू भी फ्रैंकलिन, माइकल भाई मैं तो पहले ही आई हूँ। अच्छा अब हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने जो है ना अब मज़ीद जानवर लेने जाना है मंडी, ठीक है, और जानवर जो है ना सौदा करना है, ठीक है। दो तीन सौदे आज रात को मैं सोच रहा हूँ मंडी चलें। यार माइकल भाई आज रात को जो है ना चलते हैं, वैसे सही कह रहे हो, क्या कहते हैं हैदर? माइकल भाई मैंने भी यही सोचा है कि हम मंडी जाते हैं, बड़ी वाली जो है ना, मतलब सैंडी शोज की सबसे बड़ी मंडी जो गांव में लगती है, वहां से जाके ना माइकल भाई जानवर तीन तीन दो दो तीन तीन जानवर सौदा करके ले आते हैं, यहाँ पे आके महंगे बेच देंगे, क्या कहते हो? हाँ मैंने भी यही सोचा हुआ है पापा, वैसे सबसे बेस्ट आइडिया है। चलो फिर ऐसा करते हैं, अभी नाश्ता खाना शाना खाते हैं, मंगवा के चाय पीते हैं, उसके बाद निकलते हैं और चलते हैं मंडी अपनी। माइकल भाई जाएंगे किस में? यार ये जो है ना ये जो पिकअप है गाड़ी, इसी में जाएंगे। माइकल भाई यार पिकअप में कैसे जाएंगे इतने सारे? बेटा मैं चलाऊंगा, हैदर मेरे साथ बैठेगा, तू और फ्रैंकलिन और जिमी जो है ना माशाल्लाह पीछे लटकेंगे। हैं मैं नहीं लटकूंगा। नहीं नहीं मामू अभी लटकोगे लटकोगे, मैं अभी लटक के ही आया हूँ ना, आप बड़े मज़े ले रहे थे। पापा बेस्ट है बेस्ट है, सही है ना, बेस्ट है पापा। चलो तो बॉयज़ ये सीन करते हैं, ठीक है। आई होप तुम्हें आज का सौदा पसंद आया होगा। अब तुम लोगों ने मेरी बात गौर से सुन ली थी ना कि भाई अगर तो तुम लोगों को जो है ना अपनी कुर्बानी हमसे करवानी है तो तुम लोग कमेंट में बता दो कि माइकल भाई मेरा बजट है 2,40,000, ठीक है, आप मेरे लिए कुर्बानी करें, जानवर लेके आए मंडी से, हम जाएंगे तुम लोगों के लिए जानवर खरीद के लाएंगे मंडी से और फिर उसको यहाँ पर 10 दिन अपने पास रखेंगे और फिर तुम लोगों के नाम की कुर्बानी करेंगे। यानी इस दफ़ा बकरा ईद पर हम लोग कम से कम 8 से 10 जानवर कुर्बान करेंगे, ठीक है भाई, फुल सोचा हुआ है हमने, ठीक है ना। बाकी रात भी हो रही है, सीन चेक करो यार कितना खूबसूरत है यार। माइकल भाई यार वाकई बड़ा प्यारा व्यू है यार, यार वेरी नाइस यार, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। तो बॉयज ठीक है, मतलब तुम लोगों को स्टोरी समझ आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। इंशाल्लाह कल का एपिसोड इससे भी ज़्यादा खूबसूरत आएगा। बाकी ये कि ज़रा सब्सक्राइब जल्दी करो, मतलब ना दिन में 1,000 सब्सक्राइबर तो कंप्लीट करवाओ ना यार, दोस्तों में वीडियो शेयर करो, हर जगह शेयर करो, फुल लव यू करो मेरी जान। ओके मिलते हैं कल, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। मैं यहाँ पर आया हूँ और मैंने यहाँ से लेनी थी कोई ग्लोसरी वगैरह लेनी थी, ठीक है, सब्ज़ी लेनी थी, गोश्त लेना था, लेकिन भाई बंद है यार, सारा कुछ बंद है यार। वैसे मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ बॉयज़ एक है वो बाइक होनी चाहिए आपके भाई के पास यार, जो भी है, मतलब यार बाइक का एक अपना नशा है, ठीक है। अब तुम देखो इतनी मतलब छोटी सी दूर भी आना पड़े ना, अगर 5-10 मिनट के लिए भी आना पड़े ना, तो बॉयज़ क्या करना पड़ता है, डाला निकालो जी, डाला स्टार्ट करो, फिर गाड़ी निकालो, ठीक है, ये देखो इतना हैवी डाला निकालो और फिर आओ, लंबा काम पड़ जाता है यार। देखो इतना मुश्किल काम है, इनसे पूछ लेता हूँ कि भाई आपके पास जो है ना इस टाइम वो होगी, क्या कहते हैं यार, क्या है, नेक्स्ट कोला। हेलो भाईजान, क्या हुआ? मुझे नेक्स्ट कोला होगी? नहीं कोई नहीं है यार। भाई पेप्सी नहीं मिल रही कहीं से, कोक ही नहीं मिल रही, कोक तो हमने लेनी नहीं है, हमने नेक्स्ट कोला लेनी है, वो मिल नहीं रही। अबे यार कहाँ से ढूंढूँ, एक तो जो है ना भाई मुसीबत है यार, यहाँ पे एक अच्छा जो है ना वो स्टोर भी नहीं है। मैंने तो फ्रैंकलिन को बोला है, मैंने कहा भाई चुप करके ना यहाँ पे मेन शहर के अंदर जो है ना बेहतरीन किस्म का जो है ना वो स्टोर बना ले, बेस्ट से बेस्ट है, ठीक है भाई, ये मोहल्ला भी अच्छा है। अबे भाई ओए 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 ओए, वो लगी तो नहीं है भाई? ओ यार तू पागल हो यार। अबे अबे ओए भाई ओए ओए, तेरी ऐसी तैसी तेरे नज़र नहीं आता। ओ भाई क्या हो गया, मुझे पता नहीं था, तू सब्र कर यार, तुम लोग ओ भाई रुको जाओ, सब्र करो बेटा, मैंने जो है ना मेरा इधर आओ रुको ज़रा, तुम लोगों का मैं तबीयत साफ कर। अबे भाई ओए ओए रुको, मैं उठा के ना डिग्गी में डालना है तुम लोगों को, पता नहीं है तुम लोगों को मेरा भी, रुक जा ज़रा, बच गया मेरे हाथ से, मैंने उठाना था और उठा के पीछे डिग्गी में डाल के ले जाना था, अभी जो है ना तुम लोग जानते नहीं हो मुझे। ये इसको देखो यार, सब्र करो ना, इधर आना इधर आ, क्या मसला है तेरे साथ, मैंने तुझे 1,000 दफ़ा बोला है रुक जाओ ज़रा, क्या मसला है, रुको ज़रा तुम, अबे भाई अबे रुक, चल तेरा हलाज ही यही है बेटा, रुक जा, तुझे मैं जो है ना अब रुक ज़रा, चला तू आ, तुझे बेटा तुझे इंसान मैं बना के लाता हूँ, तू सबर कर। ओ भाई मुझे छोड़ दे, मुझे प्लीज़ छोड़ दे। नहीं 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 बेटा मैं तुझे बताता हूँ, तुझे मैंने रोका है, तू माइकल दी सेंटा के साथ पंगा ले रहा है, तुझे मैं डाले में अभी फेंकता हूँ, रुक जा। ओ भाई मुझे छोड़ दे यार, अल्लाह का वास्ता छोड़ दे, बदतमीजी करता है, देखा बच गया मेरे हाथ से।
वरना अभी जो है ना मैंने तबीयत वॉश कर देनी थी इसकी। मतलब ड्रामे जो है ना इनके ख़त्म नहीं होते लोगों के यार। डाले में अभी मैंने उठा के डालना था, तबीयत फ्रेश हो जानी थी इसकी। ये इसको देखो यार। वैसे बॉयज़ मैंने गलत जगह पे गाड़ी डाल ली है, रास्ता मैंने गलत लिया है, सॉरी यार सॉरी। अबे यार भाई मैं जो है ना पता नहीं यार यहाँ से ढूंढ रहा था, दुकान ढूंढ रहा हूँ जो है ना जहाँ से नेक्स्ट कोला मिल जाए। अजीब है, हट जा यार भाई हट जा। अच्छा बॉयज़ वैसे उसके जो है ना एक दफ़ा रंग उठ गए, जैसे ही मैंने उसे कहा ना मैंने उठा के डाले में डालना है, वो उसकी तबीयत फ्रेश हो गई है यार। यहाँ पंप से तो मिल ही जाएगी, तो बॉयज़ कोई चीज़ ना मिले ना हमें एट दी एंड यहाँ पंप आना पड़ता है, मतलब पंप से हर चीज़ मिल जाती है। तो मैंने फ्रैंकलिन को बोला था, मैंने कहा यार भाई ये क्या चीज़ है भाई, यहाँ पे क्या था, हाँ हाँ ये इधर फिरता है, तू बेटा सब्र कर, तुझे मैं डाले में फेंकता हूँ, तू सब्र कर, चलो तू यहाँ पे रुक। अब ज़्यादा तूने तरतरा की ना, तुझे मैंने एक लगानी है, मैंने तुझे बोला था ना, उठ ज़रा। हाँ बता ज़रा, अब बता, फेंकूँ तुझे डाले में फेंकूँ? ओ भाई मुझे छोड़ दे यार, प्लीज़ छोड़ दे, मैंने तुझे बोला था नहीं फेंकूँ मैं तुझे डाले में, छोड़ दे यार। बदतमीज़ इंसान, तबीयत फ्रेश हो गई थी एक दफ़ा तो इसकी। चलो छोड़ो बॉयज़ यार, इसको क्या तंग करना है, चलो इधर से नेक्स्ट कोला लेते हैं और बस फिर चलते हैं। भाईजान एक नेक्स्ट कोला दे दो ठीक है, और स्प्राइट की बोतल दे दो, उसके अलावा जो है ना यार जामिश्री दे दो, ये चीज़ें इनका बिल बना दो ठीक है भाईजान, जल्दी ज़रा है ठीक है। चलो ओके यार भाई बहुत शुक्रिया यार, वो ज़रा गाड़ी में ना रखवा देते हो? हाँ रखवा देता हूँ यार, जूस पीने का दिल कर रहा है, जूस पी सकते हैं? अबे यार ये पीना कैसे है, ये पी कैसे सकते हैं? नहीं पी नहीं रहे, ख़त्म हुआ भाई। अच्छा यार कुछ रख भी लिया करो यार, अजीब हो यार। चलो बॉयज़ मिलते हैं तुमसे कल, अल्लाह हाफिज़।